बॉल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड वेलकम टू करोड़ों में खेल। कैसे हैं आप? प्लीज मुझसे नाराज ना हो। आई नो आप सख्त तप रहे हैं कि हम कब आके यहाँ खेलेंगे, और आप में से बहुत लोगों का ये भी ख्याल है कि आप सेलिब्रिटी से बहुत आगे तक खेलेंगे। ये बात सही है, लेकिन पता है चक्कर क्या, हम लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसलिए बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, शो का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन जितना आपको इंतज़ार है यहाँ आके हॉट सीट पे बैठने का, उतना ही मुझे इंतज़ार है कि आप यहाँ आए, मैं आपसे गपशप करूँ, सामने बातें हो, सवाल हो, और आप करोड़ों के, लाखों के, सब इनामात, सब कुछ यहाँ से लेके जाएं। तो आज की शो पे क्या होने वाला है जी? यहाँ भी आज थोड़ा सा यू टर्न है। हम भी कभी कभी यू टर्न लेते हैं। 2015 में मैंने एक पर्सनालिटी के बारे में कहा था कि ये आज शो पे आई हैं, और जो हुआ है उसके बाद मैं इनको कभी शो पे नहीं बुलाऊंगी, इनसे कभी नहीं मिलूंगी। और उसके दो साल बाद ही एक गैदरिंग में मुलाकात हुई और ऐसे मिले, इतने प्यार से वो मुझसे मिली कि सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। फिर भी तब भी मैं डाउटफुल थी यार, शो पे ये वो क्या करें, बुलाएं। एक बात तो है, ये वो पर्सनालिटी है पाकिस्तान में, जब ये कोई एक स्टेटमेंट दे देती हैं तो मिलियंस उसको देखते हैं, शेयर करते हैं, क्या ऐसा जादू इस बंदी की बातों में। और ये जब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सोच रहा है कि ये वाकई इतनी भोली है या बनती है या बहुत चलाक है, आज मैं मीरा जी से पूछ ही लूँ। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मीरा जी जिस शो पे आती हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कह सकती हैं। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेस्ट गपशप एंड द गेम, आज क्या होगा, लाखों करोड़ों क्या लेके जाएंगी मीरा, और सवाल उनको कैसे कैसे हैंडल करेंगी। मीरा जी आइए। क्या हाल है सांचे? मैं तो सोच रही थी कुछ और तरह का कैप एंड्रू कुछ और इंट्रोडक्शन देंगी नादिया। अगर मैं आज मीरा बनकर शो करूं तो फिर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनके करना चाहिए वरना? नहीं मीरा ही तो बनके करोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रही थी कि कुछ और, बहुत ही मैं मोहब्बत वाला शो चाह रही थी। हाँ, मोहब्बत करूं। और मैंने कहा कि बहुत अच्छा, और मैंने भी जिंदगी में सोचा था कि कभी मैं आपके शो पर नहीं आऊंगी। पहले भी कुछ नहीं हुआ था ऐसा, कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली। सुबह मैं जब आई थी वहाँ पर पहुँची थी तो तैयारी नहीं थी, और कुछ मैनेजर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और जो मैं तुम्हारे तुमसे नहीं तो मैंने भी लाडिया, मैं कल से आज तो मुझे थोड़ा सा, लेकिन कल से मैं आपके लिए मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। जहाँ तक आपने कहा कि मीरा की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, मेरी सारी स्टेटमेंट्स मेरे काम से मुतल्लिका, मेरे काम से रिलेटेड होती हैं, और कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होती कि जो कि मैं देखें कि 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और मैंने पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी काम किया और फिल्मों में काम किया। इसके अलावा सारी दुनिया में मैं जानी पहचानी जाती हूँ काम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। नो डाउट आप हमारी स्टार हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। और आज मेरी बात सुनो, तुम्हें शो का फॉर्मेट पता है, इसमें ये गेम शो है, ठीक है? सवाल होंगे, जवाब होंगे, आपको हिंट देंगे, हेल्पलाइंस होंगी, और तुम बहुत कुछ जीत के जा सकती हो। हाँ, मेरी कोशिश तो यही कि मैंने आपका दिल जीत लिया, यही काफी है। दिल तो मेरा जीता, वैसे ही दिन तो मुझे मिली थी, हम जिस सामने गपशप लगाई थी उसी दिन हम फ्रेंड्स अगेन, और आज सबके सामने फिर मिल लेते हैं। सोच रही थी कि आज डिफरेंट तरह की दूसरी बात होती, हम पुरानी बात ही नहीं करते, लेकिन बातें खत्म करके नई बातें तभी शुरू होंगी। हाँ, ना तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे मैनेजर की, और वो अदरवाइज फायर किया उस मैनेजर को। हाँ, फायर किया उसको? बिल्कुल, मैंने उनको फायर कर दिया। मेरे साथ दोस्तों को लड़ाया उसने। हाँ, लेकिन अदरवाइज, हाँ
उनकी वजह से ये हुआ, लेकिन हमारा ऐसा, मेरी नादिया की कभी भी ना दोस्ती ख़राब थी, ना हमारी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और ना ही हमने कभी एक दूसरे को कभी मैं तो तब से इनकी इंटरव्यू कर रही हूँ जब से चीफ साहब और सारी फिल्में कितने सालों से और नादिया तो ये जो आप तो पायनियर हैं इस दुनिया की, ये आपकी दुनिया है नादिया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में ये आपकी सवाल है, यू आर वन ऑफ द पिलर. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव. आई लव व्हाट यू वेयरिंग. आई लव व्हाट यू वेयरिंग. दीपक परवानी, दीपक परवानी उनका ड्रेस. अच्छा आइए बैठिए हॉट सीट पे. तो आज जी मीरा जी मैं हम खेलेंगे करोड़ों में. शुरू करें, लेट्स गेम बिगिन. जी तो मीरा जी हैं मेरे साथ यहाँ शो में, और कोई भी बात करें आज तो जी खबरें बननी हैं, खबरें लगनी हैं, तो इसलिए मीरा हम बड़ा संजीदगी से खेलेंगे. बिल्कुल संजीदगी से खबरें बनाएंगे आज. आज किसी को मौका ही ना दें कि भाई ना तुम्हें को पकड़े ना मेरी को बात. हाँ बिल्कुल, ना आपकी बात कोई पकड़ में आए और ना मेरी बात पकड़ में आ जाए. लेकिन ना दिया तो हाँ. तो कौन सा सवाल तुमसे पूछते हैं लोग कि तुम्हें बुरा लगता है जब ये आके ना अखबार वाले या ब्लॉगर्स कुछ पूछते हैं तो तुम्हें इरिटेट होती हो कि ये सवाल क्यों पूछते? करंट सिचुएशन ये है कि जब बाजी के बारे में बात नहीं होती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है. आपने पूछा आपके सवाल का प्यार है तुम्हें अपने काम से कि उसके बारे में बात ना हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता. बन गई फिल्म या बन रही है? कंप्लीट हो गई, मुकम्मल हो चुकी है. किसकी फिल्म है, किसने बनाई, साथ साथ कौन है, तुम्हारा रोल क्या है? साकिब मलिक इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और मेरे साथ आमना इलियास, उस्मान खालिद भट्ट, अली काजमी, नैया रजास, निशो बेगम, ये सारे खूबसूरत सितारे मेरे. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा गेम के बारे में. गेम खेलेंगे मीरा को या मीरा जी? मीरा. तो ये फेसबुक पे तो मीरा जी है ना? मीरा नहीं, हम दोस्त हैं. मीरा मीरा जरूर तुम्हें पसंद है, लोग मीरा जी कहें. मुझे जी नहीं अच्छा. नहीं तीन मंजिलें हैं, पहले चार सवाल. पहली मंजिल में स्मार्टफोन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, बाइक, सब जीत सकती हैं आप. उसके बाद लग्जरी बेडरूम सेट है, 5 तोला गोल्ड है, दुबई वेकेशन है, आहा मैं आऊंगी लेने एयरपोर्ट पे, 10 तोला गोल्ड है. उसके बाद तीसरी मंजिल पे वो 3 गाड़ियां है तुम्हारे पास यहाँ, 800 cc, 1000 cc, 1300 cc कार, डायमंड सेट और अपार्टमेंट. कहाँ तक खेलना है? अपार्टमेंट जीतना है? हाँ अपार्टमेंट के लिए कोशिश. कराची में एक अपार्टमेंट? हाँ अपार्टमेंट होना चाहिए. बाकी हर जगह तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कराची में है? नहीं नहीं कराची में नहीं, कराची में घर नहीं है. बस कराची में तुम यहाँ से घर लेके जाओ. 3 लाइफलाइंस नॉर्मली होती है. आज हम तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन कर रहे हैं क्योंकि मीरा मेरी दोस्त शो पे आई है. ये मतलब कह रही है कि मुझे इतना अच्छा कुछ तुमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं जो इसको तोहफा देना चाहती हूँ वो आज तक किसी गेस्ट को ना दिया है और ना दूंगी. ये आपका प्यार है ना? मेरी प्यार तो देखो मेरा कितना प्यार है. ऐसा लव है कि आपको जितनी चाहिए लाइफलाइंस मिलेंगी. अच्छा ठीक, जितनी दफा तुम हिंट मांगोगी मैं दूंगी. अच्छा ठीक है, जितनी दफा तुम 50-50 खेलोगी हम खेलने देंगे. देखा और कितना प्यार दूं, कितनी प्यारी है. और कितना प्यार दूं? बस सारा ही प्यार चाहिए मुझे, ढेर सारा. दे बहुत ज्यादा प्यार चाहिए नादिया से, बहुत ज्यादा, आसमान से लेके जमीन तक. तो देख लो मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम एंड तक जीत के जाओ. सवाल शुरू करते हैं बिकॉज़ आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत बेताब हो रहे होंगे कि आज क्या होने वाला है शो पे. अच्छा किस शोबे से सवाल पूछूं? स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, साइंस, मेडिकल शोबेज, ब्यूटी? साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है, फिर पॉलिटिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जनरली सारे पॉइंट्स अच्छे हैं. आई मीन ये भी है सारी. मैं तो आज मेरा दिल चाहता है कि आप आज जो आप करना चाहती हैं ना, मैं तो आप जो पूछना चाहती हैं ना नादिया, मैं चाहती हूँ आप जो आज पूछना चाहती हैं ना आज मीरा आपके लिए, आज हम आपके हुए. ओके देखो जो सवाल पूछूंगी उसकी 4 ऑप्शंस है, एक तुमने सेलेक्ट करनी है, ए बी सी डी. तो पहला सवाल मीरा से फॉर स्मार्टफोन, स्मार्ट गर्ल के लिए. मीरा डरना नहीं, ओके मैं हूं ना, हर जगह हेल्प करूंगी. पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? नादिया कितना आसान सवाल है ना, ऑप्शन तो मेरा दिल चाह रहा कि मैं तो बहुत नहीं, पहला तो होता ना, अब जाते फोन तो पक्का हो ना, है ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी
पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और नाम भी बताएंगे। अच्छा नाम भी, पाकिस्तान के चार सूबे हैं, एक पंजाब, एक सिंध, एक बलूचिस्तान और एक पंजाब सिंध बलूचिस्तान और खैबर, खैबर पिशावर वाली साइड। सच्चे सच्चे कोई बात नहीं, क्लोज है तो बहुत क्लोज है, मैं हेल्प करने की जरूरत नहीं, पता है तुम कर लोगी गेस। खैबर नहीं, बलूचिस्तान खैबर तक पहुंची, आगे आगे तुमने कहने वाली थी इधर खैबर पा, खैबर पा, पख्तून, हाँ ना खैबर पख्तूनख्वा, हाँ पख्तूनख्वा, बिल्कुल टू गुड, जबरदस्त, ये तो बहुत तुमने अच्छा बताया। हाँ जी आज कुछ सस्पेंस ना दे लड़की को, बस कर दे ग्रीन, छोड़े येलो बत्ती, ग्रीन है ये तो बहुत अच्छा बताया जवाब, वेरी नाइस। स्मार्टफोन आपका हुआ पहली मंजिल पे पहला जवाब, मुबारक हो। दूसरा सवाल एलईडी टीवी के लिए, ठीक है ना जी, पहल की आपको हम एलईडी टीवी दे रहे हैं तो इसका मतलब है जबरदस्त क्वालिटी होगी। और सवाल आपके लिए ये, ये गाना किस फिल्म का है? ओके ऑप्शन, शुएब मंसूर साहब की फिल्म थी, और मायरा खान और आतिफ असलम की, मायरा खान वो इस फिल्म में उनकी एक्ट वो मायरा खान और आतिफ असलम उनकी आवाज़ है। और ऑप्शन बताओ, ऑप्शन भी तो है ना, इतनी क्यों टेंशन ले रही हो। ऑप्शन ए हो मन जहां, ऑप्शन बी बोल, ऑप्शन सी जवानी फिर नहीं आनी, ऑप्शन डी जलेबी। ये जो शुएब मंसूर साहब की फिल्म बी, बी ऑप्शन बोल, बोल फिल्म का लॉक करूं? हाँ जी बिल्कुल, श्योर हो? हाँ बिल्कुल, घंटी ले लेती है। शुएब मंसूर साहब की फिल्म का है ना बोल, पीली बत्ती फिर ऑन कर रही हूँ, फिर उसके बाद आगे पीछे नहीं हो सकता। बी बी ओके बी बी पे पीली बत्ती ऑन करें, और अच्छा होता कि तुम हिंट ले लेती। अच्छा हिंट लेते हैं, अच्छा अब तो पीली बत्ती नहीं 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 नहीं, अब ऑन होगी, नहीं नहीं अब तो नहीं 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 नहीं, एक सेकंड तो मैं अपनी भी नहीं सुनती, नहीं नहीं प्लीज प्लीज, मैं नादिया तो हो गया, लॉक हो गया, नहीं नहीं नहीं, हो मन जहां, हो मन जहां, मेरे हाँ हो मन जहां नादिया, तुमने मुझसे बहुत प्यार मुझे देने का वादा किया है नादिया, प्लीज बोल फिल्म का नहीं है ना, नहीं तुम बताओ मुझे, मैं तो पीली बत्ती ऑन कर दी थी। होना था प्यार, पीली बत्ती तो मतलब लॉक हो गया। अच्छा तुम्हें अपने आप पे यकीन है तो बस बोल को जाने दो, फिर यकीन होना चाहिए। नहीं यकीन तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी कोई बात, अगर आप मेरी आज मेरी आप दोस्त भी, मैं दोस्त ही पुरानी, मैं चाह रही हूँ कि तुम अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, ये हिंट है। नहीं मैं कहती हूँ कि वो हजरत अली का कॉल है कि आपका एक अच्छा दोस्त हो ना तो फिर सारी दुनिया आपको मिल जाती है, तो मैं दोस्त ही कह रहा है कि अपने आप पे यकीन करो। अच्छा अपने आप पर यकीन करो, आपने कह दिया कि अपने आप पर भरोसा करो, ठीक है ठीक है, मेरा काम है आप पर भरोसा करो, ठीक है, कंफ्यूज मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या मीरा को मुझसे हिंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपने आप पे यकीन रखना चाहिए, जानिए ब्रेक के बाद। हम खेल रहे हैं करोड़ों में,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू करोड़ों में खेल। और मीरा सामने है लॉकिया ऑप्शन फिल्म बोल पे। सवाल मैंने पूछा था कि ये गाना किस फिल्म का है, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आपने कहा ऑप्शन बी बोल, लॉक हो गया। देखते हैं सही जवाब है या नहीं, पता नहीं अब तो। स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी, क्या जीती है मीरा? आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आज मुझे यकीन हो गया है। क्या अगले मैंने सवाल आप पर भरोसा किया था? अगले सवाल पे फिर नहीं, हमेशा मैंने आप पर भरोसा किया है। और उस दिन में मैं भरोसा कर वो तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन ये कि मुझे आज फख्र महसूस हो रहा है कि मैं नादिया के साथ हूँ। वेल डन मीरा। ओके जी, लैपटॉप के लिए भी खेलते हैं। लैपटॉप पे काम करती हो, क्या करती हो लैपटॉप पे, क्या शौक है करने? लैपटॉप पर मैं, हाँ सीरियसली, मैं शौक नहीं है कोई गेम्स कोई नहीं, टाइम ही नहीं मिलता नादिया, टाइम ही नहीं मिलता। पूरे साल फिल्म की शूटिंग्स, फिर एक्सरसाइज, फिर डाइट का ख्याल, फिर फैमिली के साथ टाइम, फिर इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग, और टाइम ही नहीं मिलता लैपटॉप। बड़ी मुश्किल से साथ ले जाया करो। नहीं, मैं यूट्यूब शाम को मैं कभी कभी वीडियोस देखती हूँ आपका शोज, आपका यूट्यूब चैनल कभी कभी मैं चेक करती हूँ, जो आप मेकअप की टिप्स दे रही होती हैं। जो आप, मैंने कुछ पढ़ा कि मीरा अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही है, दुबई से कुछ हो रहा है, वो क्या था खबर? वो आपको याद है कि मैंने आपसे कहा कि मुझे आप प्लीज़ गाइड भी करें और मेरी इस सिलसिले में मेरी मदद करें, रहनुमाई करें, मुझे थोड़ा सा बताएं, आपका इतना ज़्यादा इसमें तजुर्बा है। और फिर आपने कहा कि इससे बहुत अच्छी आप पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं इससे, और बड़ा अच्छा ये सिस्टम है, आपने मुझे गाइड किया कि ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने मुझे उसके बाद कहीं पढ़ा तो मुझे लगा कि तुमने अपना यूट्यूब खोल लिया। जब आप मुझे अभी अभी नहीं किया, अभी नहीं। अच्छा, क्या करना चाहोगी यूट्यूब पे, क्या करना चाहोगी, किस किस्म का चैनल बनाना चाहोगी? नादिया, आपने, आपको याद है कि आपने कहा था कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी, हम ये कर। अच्छा, खुद नहीं सोचा हुआ कि मैं इस तरह का कोई मेकअप लाइफस्टाइल इंटरव्यू? की फिल्म की शूटिंग पूरा एक साल मैं बहुत बेहद मसरूफ थी फिल्म के साथ। क्या रोल है? टाइटल लीड रोल है, टाइटल प्ले है, और बाजी जैसे बाजीराव मस्तानी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक फिल्म की कहानी है, ये वो वाली बाजी नहीं कि बाजी बड़ी बाजी, ग्लैमरस और हर तबके के लिए, हर ऑडियंस के लिए, बच्चे के लिए भी वो फिल्म है, बड़ों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, और जो यंग हमारी यूथ है, जनरेशन है कॉलेजेस में। लेकिन बाजी मतलब बाजी हो ना उसमें, जो बड़ी बहन होती है। बहुत साकिब मलिक, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने इतनी कमाल फिल्म बनाई है नादिया, और मैं स्पेशली आपको मैंने इनविटेशन देना है। मुझे साकिब मलिक ने कहा है कि मैंने नादिया को ज़रूर जाकर कहना कि उन्होंने प्रीमियर पर आना है, और होस्टिंग नादिया करेगी, नादिया होस्ट करेगी हमारी, और दुबई में भी प्रीमियर होगा, और दुबई में भी प्रीमियर होगा, और फिर आपने होस्ट करना है वो शो, वहाँ भी होस्ट करूंगी, वहाँ पे आपने होस्ट करना है, जहाँ फिल्म लगेगी पहला अवार्ड मैं लेने आऊंगी। अरे इंशाल्लाह, बेस्ट एक्ट्रेस का मुझे एक्साइटेड कर दिया इस फिल्म के लिए, थैंक यू सो मच। नादिया जैसा तो बस जी, खत्म करें गेम, सब उठा के इसको दे दे, अपार्टमेंट के पेपर भी लिए, गाड़ियों की चाबियां भी। नहीं नहीं, इतना प्यार, इतनी तारीफ कभी नहीं हुई। अच्छा, लैपटॉप के लिए तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, लैपटॉप के लिए जी, आपको एक तस्वीर हम दिखाएंगे, आपको ये बताना है कि तस्वीर किसकी, मशहूर शख्सियत है। ऑप्शंस में आपको पहले दे देती हूँ, क्या ये लेडी डायना है, मोना लीजा की पिक्चर है, लेडी गागा है, या क्वीन एलिजाबेथ? ठीक है, ओके, और ये पिक्चर आपके सामने है, पिक्चर देखिए, कौन है? लेडी डायना तो नहीं, लेडी गागा, मेरे ख्याल में लेडी गागा, क्वीन एलिजाबेथ नहीं, मोनालिसा भी नहीं, मेरे ख्याल में लेडी गागा, ये लेडी गागा की पिक्चर है। और लेडी गागा कौन है? शी इज़ वेरी फेमस सिंगर फ्रॉम अमेरिका, शी इज़ वेरी वेरी हॉट सिंगर। गाना कौन, बताओ गाना, गाना मेरी आवाज़ में सू हो जाएगा। नहीं नहीं कोई नहीं, तुम शुरू करो, मेरे के देने। हाँ, लेकिन गाने का नाम या कोई गाना कुछ उनका गुनगुना दो, कोई याद है? गाना लेडी गागा, बिकॉज शी इज़ वेरी 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 फेमस, लेकिन बाय नेम नहीं गाना याद, बाय नेम, लेकिन आई एम श्योर शी इज़ लेडी गागा। लॉक कर दो, हद पैर दबा, यस, कहो मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, लॉक कर दिया जाए।
ठीक है जी, लॉक कर दें। और लेडी गागा ऑप्शन सी ही इज द करेक्ट आंसर, ये समझ नहीं है, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा ये तस्वीर किसकी थी। तो हाय मीरा, फिर हिंट नहीं लिया। अच्छा, अब पता नहीं सही आंसर है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा कोई गाना है। जी, कौन सा गाना था? गाना बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। पोकर फेस, बैड रोमांस। जब हम मैक्स पर जाती हूँ न्यूयॉर्क मैनहैटन में, अगर आप डिस्कोस में जाएं शाम को, म्यूजिक वहाँ चलता है। हाँ, वहाँ गाना चलता बहुत जबरदस्त शाम को। अच्छा अच्छा, मुझे वर्ड्स इसके याद है कुछ गाने के? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसे वर्ड्स भी नहीं जो याद रखे जाए वैसे, ऐसे आपस की बात है। ओके, तो लेडी गागा क्या ये सही आंसर है बताएं। And this is the right answer. शाबाश मीरा, well done, जीत गई हो आप स्मार्टफोन, LED TV, लैपटॉप, और मैंने कोई हेल्प भी नहीं की, ये कमाल है। अब बाइक के लिए सवाल है, बाइक चलाओगी? कभी चलाई बाइक? फिल्म में चलाने की कोशिश की थी, सलाखें एक फिल्म मैंने की थी, शहजाद रफीक साहब उस फिल्म के डायरेक्टर थे, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म थी। समी भी था उसमें? समी भी था, और नादिया फिर मैंने बाइक चलाई थी, और मैं बाइक से बहुत ज़ोर से गिरी थी पीछे, और चोट लगी, चोटें तो बहुत लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाइक चलाई, लेकिन मैंने मैं चोटें लगी थी, लेकिन मैंने शूटिंग्स एक्शन फिल्म थी, और तो फिर चोटें लगना तो मामूली बात है। अच्छा, किस किस्म के गाने पिक्चराइज होते हुए अपने ऊपर अच्छा लगता है, मज़ा आता है शूटिंग में? नादिया, आप यकीन करो कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि मैं मेरा दिल चाहता है कि वैसे ही अब तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो चुकी है कराची, और जो एक लॉलीवुड था लाहौर के अंदर, जो रौनकें और जो बहारें थीं, और फूलों में फूल, हर वक्त फूलों की बरसातें, और जब हम स्टूडियो में आते थे शूट के लिए, यकीन करें कि जैसे ही मैं फ्लोर पर एंटर या मैं मेरी एंट्री अंदर में आती थी, तो हमारे प्रोड्यूसर्स वो हमारे प्रोटोकॉल के लिए हमारे ऊपर था कि हम अच्छा काम करें, और फूलों की बारिशें, फूल फूल ऐसे, और फिर सेट के ऊपर तो ज़्यादा शूट, बहुत अच्छा, हर तरह के गाना अच्छा लगता था, ये खास रोमांटिक रोमांटिक अच्छे गाने। और किस एक्टर के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सबके साथ ही, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही खूबसूरत। अब तो सारी इंडस्ट्री कराची में शिफ्ट हो गई है, और अल्लाह करे कि कराची में बहुत ज़्यादा काम, मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि आप किसी फिल्म में काम करें। इतनी प्यारी हीरोइन आप, इतनी ज़बरदस्त नादिया खान पर एक गाना, अगर मुझे तो बस ड्रामे ही अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, आपने भी टेलीविजन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, आपने बहुत अच्छी अभी एक्टिंग की, तो मैं ये बता रही थी कि बड़ा ही अच्छा और एक माहौल था फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन किसी ऐसे हीरो के साथ जो तुम्हें अपना पेयर बहुत अच्छा लगता हो? मुझे अपना पेयर, मुझे बाबर अली के साथ मैंने काम किया, मैंने शान, मैंने तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया, पाकिस्तान के जितने भी जो सुपरस्टार्स थे और अभी भी हैं, मैं सबके साथ, मैंने नुमान एजाज साहब के साथ भी टेलीविजन सीरियल किया, फिर मैंने तमाम हीरोज़ के साथ मैंने काम किया, और फिर मैं इंडिया भी गई, इंडिया में अच्छे डायरेक्टर और अच्छे लोगों के साथ काम किया, सुभाष घई साहब की प्रोडक्शन में काम किया, महेश भट्ट साहब की प्रोडक्शन में, सोनी राजन, आलिया की मम्मी, आलिया मेरे साथ होती थी मेरे कमरे में, और अब देखो कितनी बड़ी स्टार बन गई हैं वो। तो सबके साथ ही, सबके साथ ही मैंने काम किया, और आपका तो, इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं, आपका शो जो नादिया खान, स्पेशली नादिया को पूरी दुनिया में आपको जाना चाहता है। मीरा, सब तुम्हारी कोलीग्स ने शादियां कर ली?
तुम्हारा क्या प्लान है? देखिए मैं भी बहुत देखिए मेरी मैं मुझे बहुत शौक है तुम्हारी शादी हो तो मैंने मैं तो कसम से इतना डांस करूंगी मैं और नादिया आप डांस करेंगी मैं तो ऐसे आज आप कमिटमेंट कर आज कमिटमेंट होगी और प्रीमियर पर आप इनवाइटेड हैं बाजी फिल्म पहले बाजी शादी से हम बाजी पे वापस कैसे आ गए नहीं उस फिल्म के बाद मैं शादी लेकिन आप प्रॉमिस आप ये तो अनाउंस कर दो किस फिल्म के बाद तुम शादी कर रही हो आई मैं सच कह रही हूँ नादिया मैं आपसे कभी पूरी बात मैं आपसे झूठ नहीं बोलो फिल्म बाजी के बाद बहुत धूमधाम से जिसमें नादिया जो है वो बहुत अच्छा डांस करेंगी माइयों अपने हाथ से मेरे हाथों में मेहंदी लगाएंगी ठीक है हाँ। और माइयों का जोड़ा भी आप ही गिफ्ट करेंगी शादी नहीं असली शादी सीरियसली मैं इसके बाद शादी करूंगी और आपको पता है कि रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल काम है हाँ। अच्छा अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज किसने तय किया शादी अभी शादी अभी बातें बातें कौन कर रहा है बातें बातें मम्मी सब लोग बड़े कर रहे हैं ना बातों से बातें निकलती हैं बड़े ही बड़े करें मैं बातें करूंगी तो सब खराब होगा सब खराब बिल्कुल तुमने लड़के से कोई बात नहीं करनी बड़े तय करेंगे जब बड़े बातें मेरे मेरे ख्याल में और उनसे कहो मम्मी से कहो लड़की को हम दिखाएंगे ही शादी वाले दिन बस निकाह के बाद अरे नादिया मैं आपको क्या नजर लग जाती है मैं तो अपनी डेट अगर मैं अभी शूटिंग की डेट पर मैं अगर मैं खुद डेट प्रोड्यूसर को या मैं डेट पर खुद आना चाहूँ तो वो डेट कैंसिल हो जाती है मेरा सेक्रेटरी डेट देता है तो वो कंफर्मेशन अदरवाइज तो मैं तो अपनी डेट्स मेरी कोई मेरी जुबान पर कोई भरोसा ही नहीं करता जब तक वो मेरे सेक्रेटरी साहब कंफर्मेशन नहीं देंगे मीरा आ रही है और तीन चार कॉल्स और एक हंगामा खड़ा नहीं होगा तो वो डेट कन्फर्म नहीं होती तो मैं अपनी मैं कितनी ही बातें कर लूँ जब तक पूरी फैमिली इन्वॉल्व मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सब्जेक्ट मिली तो हो ना मिली तो हो उनको देखा तो है ना अच्छे हाँ, दूर दूर से दूर दूर से मैं सिर्फ दूर दूर से देखती हूँ दूर से हाउ रोमांटिक एब्सोल्युटली आई एम नॉट मैं फिल्म के सेट्स पर बहुत बहुत रोमांटिक होती हूँ रियल लाइफ और जैसे कैमरा ऑफ होता है मैं अनरोमांटिक तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है डर जाते हैं मियां बीवी एंटरटेनमेंट के लिए कहीं बाहर खाने पे जाएं घूमने जाएं मूवी देखें घर में बैठे किताबें पढ़ें क्या करें बेस्ट टाइम ये होता है नादिया कि आप अच्छी अच्छी बातें करें प्रोग्रेसिव जिंदगी हो खाने पर जाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट उनको उन्हें इजाज़त दी हुई है काम वाम करने की कोई मसला नहीं है आपको सब आज़ादी है नहीं अभी अभी तो ऐसी ऐसी गपशप नहीं है इतनी बातें तो और लेकिन अम्मी से कंजर्वेटिव है माहौल बहुत पर्दे वाली शादी हो इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं नादिया हमारा मुस्लिम हमारी मुस्लिम सोसाइटी है हम कितने भी ब्रॉड माइंडेड और अमेरिका और कनाडा और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हमारी फैमिलीज जो हैं वो सेटल हो चुकी हैं हो भी रहे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी लेकिन एंड ऑफ द डे हाँ वो अपनी जो ग्राउंड आपकी रियलिटी है वो है और वो अपने वो नहीं बदलती हाँ, अच्छा ठीक है अगला सवाल अच्छा जी ये बाइक बाइक के लिए मीरा से पूछिए क्या सवाल है ये हसन के लिए जी बाइक पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है ऑप्शन हाँ, कौमी नेशनल मिठाई हाँ करेक्ट बहुत अच्छा बोली ऑप्शन ए बर्फी ऑप्शन बी जलेबी ऑप्शन सी गुलाब जामुन ऑप्शन डी बेसन के लड्डू ये लंबा पॉज है मैं सोच रही हूँ कि डी के बारे में भी सोचा जा सकता है और सी के बारे में भी बेसन के लड्डू लग रहे गुलाब जामुन मैं मीठा खाती नहीं हूँ इसलिए मुझे मीठे का इतना शौक नहीं है ये सवाल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है मैं 15 साल से मैं मीठा नहीं खाती 15 साल पहले खाती थी 15 साल पहले खाती फिर कैसे छोड़ा क्यों छोड़ा बस मैं मीठा नहीं खाती बहुत मुझे मीठे का शौक नहीं है अच्छा शौक अच्छा ठीक है जी दो जवाब दीजिए ऑप्शन लेना चाहेंगी जिसमें दो जवाब लॉक कर देंगे एक भी ठीक हुआ तो ओके है अच्छा दो अगर आप मैं दो दो सेलेक्ट कर लो तो आप फिर एक भी ठीक हो तो इट सही है हाँ
ठीक है ना, कौन से कितनी अच्छी है ना, आप कितनी प्यारी है ना, आप कितनी भोली है ना, है ना, आप कितनी क्यूट है, थैंक यू, आप छोटा सा बेबी है, हाँ, बस सही है, गोद ले लो, मेरा दिल चाह रहा कि मैं आपको अडॉप्ट कर लूं। जबरदस्त, अभी सुनना था ये। अच्छा बताओ, मैं अडॉप्ट कर लूं? दो ऑप्शन बताओ। बहुत स्पॉइल करूंगी मैं आपको। मैं स्पॉइल होना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। ओके जी, ऑप्शन बताओ दो। सी को भी लॉक कर दें और डी को भी लॉक कर दें। सी और डी दोनों लॉक, दोनों को लॉक कर दिया जाए। दोनों को लॉक करते हैं, पीली बत्ती ऑन करते हैं, गुलाब जामुन पे भी और बेसन के लड्डुओं पे भी। पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या इसमें कोई सही ऑप्शन है या नहीं। वेलकम टू करोड़ों में खेल। और आपको आज की स्क्रीन बड़ी डिफरेंट लग रही होगी ना, तो मैंने कभी इतना कलरफुल ड्रेस ऐसे पहना और ना कभी गेस्ट ने, तो आज दोनों ही हम, मतलब कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लेकिन इतने कलरफुल हो गए। हाय भाई, क्या बात है। वैसे तुम्हें पसंद है ज़्यादा ब्राइट कलर्स? मेरे ख्याल में कभी कभी ना दिया, सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो एक खुशी जो है वो आपके चेहरे पर आती है, आपकी जुबान पर आती है, अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करते हैं। आज आप बहुत प्यारी लग रही है, मेरी भी तारीफ कर दे, मैं कैसी लग रही हूं? आप तो हसीना मजबीना। हाँ, बस यही मैं चाहती थी कि मैं आपको बहुत हसीन लगूं। नहीं, माशाल्लाह। मैं चाह रही थी कि नादिया को मैं आज बहुत अच्छी लगूं। बिल्कुल दिल जीत लिया। और सारा वक्त नादिया मेरी तारीफ करती रही, मेरे कपड़ों की। मैंने पूछा था मीरा से ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है। उन्होंने कहा कि कंफ्यूज हूँ बिटवीन टू, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा कौन सा लग रहा है? ज्यादा मेरे ख्याल में गुलाब जामुन ज्यादा है। हाँ, ज्यादा। और सेकंड, अगर मैं पहली गुलाब जामुन और दूसरा बेसन के लड्डू। ओके जी, लॉक करते हैं। और इनमें से क्या कोई आंसर सही है? क्या मीरा बाइक लेके जाएंगी यहाँ से या नहीं? मैं इंप्रेस हो गई, सीरियस। कोई हेल्प ही नहीं ले रही तुम मुझसे, मजा नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। मैं तो सोचा था बहुत हेल्प करनी पड़ेगी। वेल प्लेड मीरा। स्मार्टफोन आप जीत गई हैं, एलईडी टीवी जीत गई हैं, लैपटॉप, बाइक, वो भी आप जी। तो पहली मंजिल आप पार कर चुकी हैं, ये आपको गिफ्ट्स मिलेंगे ही हर हाल में। अब लग्जरी बेडरूम सेट के लिए, तुम्हारा रूम कैसा है वैसे? बेडरूम कैसा है? मेरा कमरा जो है वो गुलाब के फूलों जैसा है। गुलाब के फूल जैसे फूल, सफ़ेद सफ़ेद है, रेड कलर के, मेहरून कलर के, क्या बड़ा खूबसूरत है। ब्लैक कर्टन्स हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत ड्रामेटिक किस्म का। ड्रामेटिक। तो अगर नया बेडरूम सेट मिल जाए तुम्हें, ब्यूटीफुल, अब तो खैर शादी भी होने वाली है इसलिए ज़रूरत होगी हमारी तरफ से गिफ्ट, तो मतलब होना चाहिए ना। हाँ, बेडरूम सेट, सिंघार में है, कबर्ड है ना, खूबसूरत सा। ओके, फिर उसके लिए खेल रहा सा। जल्दी से लग्जरी बेडरूम सेट के लिए सवाल। एंड द क्वेश्चन इज, ओके, हम सफर ड्रामे का टाइटल ट्रैक इनमें से किस गुलुकारा ने गाया था? ऑप्शन ए हुमैरा अरशद, ऑप्शन बी कुरुतुलैन बलोच, ऑप्शन सी आयमा बेग, ऑप्शन डी हदीका क्या। अगर आप ट्रैक उससे क्या हो? बहुत अच्छा गाना गाया है। हाँ। आवाज़ बहुत अच्छी है। किसने गाया?
गाना तो अच्छा है लेकिन आवाज़ किसकी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि डी हदीका क्यानी, मेरे ख्याल में हदीका क्यानी मेरा अरशद नहीं, आयमा बेग, लेकिन मैं मुझे अब चलें आप मदद कर दें मेरी आप आप दो जवाब की भी ऑप्शन ले सकती हैं दोबारा से लेकिन हदीका क्या नहीं। अच्छा मैं तुम्हें इतना हिंट दे देती हूँ कि हदीका क्या नहीं है, नहीं है। इनको हम लॉक कर, एक बताओ भाई एक। अब मैंने हिंट तो दे दिया, आयमा बेग है, कुरुतुलैन बलोच है, हुमैरा अरशद है। हुमैरा अरशद क्यों? हुमैरा अरशद साहिबा बहुत अच्छी सिंगर है पाकिस्तान। हाँ, तो मतलब लेकिन उसकी आवाज़ नहीं लगी, ये लग रही थी, वो भी हो सकती है। हुमैरा अरशद साहब को भी हैं, उनको भी सोचा जा सकता है। चारों को लॉक कर दूँ, चारों को इकट्ठा लॉक कर दूँ। हाँ भाई जब तक मीरा रिस्क ना करे लॉक कर दो सबको। हाँ? जब तक मीरा सही जवाब दे सबको लॉक कर दो जेल के अंदर, है ना, जेल में बंद कर दो। अच्छा भी बताओ ये गाना किसने गाया, हम सफर का टाइटल ट्रैक किसने गाया? एक नाम चाहिए, दो, चलो दो ऑप्शन बता दे यार, दो बता दो, इनमें से दो बताओ जो नाम सबसे ज्यादा लग रहे। अच्छा मैं बताती हूँ, उनको क्यू बी भी कहते हैं जो सिंगर है, क्यू बी, इनमें से किसका नाम क्यू बी है? कुरतलैन ब्लोच, मुझे नहीं पता, मुझे बस एक नाम बताओ मैं लॉक करूं। मेरे ख्याल में कुरतलैन ब्लोच, क्यू बी, कुरतलैन ब्लोच। मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं ऑप्शन बी। आज तो मीरा हार ही नहीं सकती, हम उनको हारने देंगे ही नहीं। ओके और ये है बिल्कुल सही जवाब। वाओ कितनी प्यारी है ना नादिया, बहुत अच्छा है। आप कितनी क्यूट है ना। अच्छा लेकिन मुझे बात बताओ, छोटी छोटी कभी इंग्लिश वगैरह की जो गलतियां हो जाती हैं लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये वैसी हो जाती है? गलतियां तो हम करते हैं नादिया, पढ़ती उसके बाद लोगों के कमेंट्स वगैरह के, लोगों ने क्या लिखा है, क्या मेरे बारे में कह रहे हैं। कमेंट्स बिल्कुल, गलतियां करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। और कभी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, और आप गलतियां करें आप उनसे सीखते हैं। मैं नहीं घबराती और ना मैं कमेंट जो नीचे कमेंट्स और लोगों ने अपनी राय के बारे में, मैं नहीं पढ़ती। लेकिन मैं ज़रूर, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको और नादिया ख़ान और मुझे, हम दोनों को लोग एक साथ देख रहे हैं और हम एक, लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगी कि आप गलतियाँ करें, गलतियों से आप सीखते हैं और आप गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। आजकल जो फिल्में बन रही हैं वो कैसी लगती हैं, और आजकल जो लड़कियां काम कर रही हैं उनमें से कौन अच्छा लगता है? देखिए सुल्तान रही साहब के साथ भी, जब सुल्तान रही साहब काम करते थे बहुत अच्छी फिल्में, बहुत कमर्शियल सिनेमा था और लोग देखते थे, ऑडियंस थी, लोग देखते थे, लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग कुछ मुख्तलिफ किरदार चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। आजकल कैसा बन रहा है? तो वो लोगों को नहीं चाहिए भाभी जान, टेलीविजन टेलीविजन है। तो यह है कि फिल्में, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल होगा, रिवाइवल जो लोग कहेंगे, फिल्म किसको कहते हैं, आप बाजी फिल्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि फिल्म कहते किसको। तो मुझे लगता है कि ये फिल्में अच्छी हैं या आपके टाइम की फिल्में जो थी ज़्यादा अच्छी? देखिए हमारे टाइम की, हमारे वो फिल्में तो बहुत ही अच्छी थी, पूरा माहौल था, आई रिमेंबर, पूरा माहौल था फिल्म इंडस्ट्री में जाना, बारी स्टूडियो, स्टूडियोज में एक माहौल था, एक राजनीशीली बात बना ले, जीते वो याद है, जागते किरदार थे, जागते लोग थे, ऐसा से डिस्कशंस होती थी, एक पूरा माहौल, आज और एक मुकाबला
आपस में उनको पर्सनल कोई वो नहीं था कि एक दूसरे के साथ मुकाबला था किसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, कौन अच्छे कपड़े पहनेगा, किसका किसकी फिल्म ज़्यादा बिजनेस करेगी, या हीरोइंस का आपस में मुकाबला था कि मैं ज़्यादा, मैं हूँ नंबर वन, वो कहती थी नहीं मैं हूँ नंबर वन, हाँ मैं हूँ, और वो एक अलग दुनिया भी लगती थी, फिल्मी दुनिया टीवी दुनिया मिक्स हो गई, तो वो एक कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और कॉम्पिटिशन तो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको मुकाबला ही नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे? आप एक क्लास, आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी या आप अपने स्कूल में जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन तो और अब कौन नंबर वन पोजिशन पर आएगा, कौन नंबर टू, और वापस आते हैं गेम पे, हाँ वापस आते हैं गोल्ड, पांच तुमने गोल्ड आज कम पहना हुआ है, हाँ। तो 5 तोला गोल्ड लो और उसका फिर एक नेकलेस बनवाओ जबरदस्त, 5 तोला गोल्ड, हाँ जी, उसका सवाल बताएं मीरा के लिए, क्या सवाल है, हाँ। इनमें से शेक्सपियर के सही स्पेलिंग कौन सी है, बहुत कंफ्यूजिंग, ज्यादा तुक्का मारना पड़ेगा, ये तो मुझे भी नहीं आता, ऑप्शन ए शेक्सपियर स्पेलिंग, बी शेक्सपियर की दूसरी स्पेलिंग, सी एक और डी फिर एक और शेक्सपियर, गौर से देख के बताओ, टाइम लेके, शेक्सपियर तो नहीं हो सकता, शेक्सपियर कभी स्पेलिंग्स पे शेक्सपियर की किताब तो पढ़ी है इनके बारे में, लेकिन ना कभी, कौन सी किताब पढ़ी शेक्सपियर अब आप थोड़ी सी अब किताब पहले मुझे नाव, चलो एक छोड़ो सवाल को, बहुत अच्छा शेक्सपियर का एक भी प्ले नॉवल कुछ बताओ यार, क्या कुछ भी एक कोट है इनका बड़ा अच्छा, वो कहते हैं कि ये मैगजीन था, क्या स्टेज है वो तो है, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे, कोई एक नाम, चलो छोड़ो मैं सवाल को कैंसिल कर दूं, देखो ना मुझे उनका नाम, नाम देखो नादिया, मैंने तो आप किसी प्ले का नाम यार कुछ तो, एक लव स्टोरी अक्सर मुझे याद नहीं आ रहा ना, एक लव स्टोरी नहीं, एक लव स्टोरी नहीं, बहुत सारे इनके इस वक्त याद नहीं आ रहा, या तो तुम दो ऑप्शन ले लो या एक, अच्छा मेरे ख्याल में ए और बी, शेक्सपियर नहीं होगा, पियर का ए और बी, चलो ए और बी, ए और बी लॉक करें, ए और बी उन दोनों को लॉक करते हैं, और ए बी मीरा ने लॉक करवाया है, बी इज द राइट आंसर, बहुत क्लोज थी, मुझे भी नहीं पता था, पियर तो बिल्कुल ही वो स्पेलिंग ठीक नहीं थे, बहुत अच्छा खेली जी, और दुबई वेकेशन के लिए भी जल्दी से सवाल बताएं, वक्त का मुकाबला सख्त, टी जोन इंसानी जिस्म के किस हिस्से को कहते हैं, टी जोन गर्दन कान नाक को, माथा नाक थोड़ी को, कान गाल नाक को, कान आंखें नाक, यानी ये तीन एरिया को मिला के टी जोन कहा जाता है, एक लफ्ज़ एक टर्म होती है टी जोन, वो कौन सा वो ये कौन से होंगे, एक कॉम्बिनेशन, टी जोन गर्दन नाक कान माथा नाक थोड़ी कान दी टेक योर टाइम, लेकिन बताना पड़ेगा, नो हिंट, बताना पड़ेगा, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन ये देती हूँ एक, कि माई टी जोन इज वेरी ऑयली, इनकी टी जोन ऑयली है, ऐसे ही कहते हैं ऑयली, तो क्या हो सकता है, गर्दन कान नाक, चल पता नहीं, ए ऑप्शन ए और बी आप देख लें, गर्दन ए और बी मेरे ख्याल में, एक बताओ ए बी सी या डी, बताओ ना कोई सा भी, सी कान गाल नाक पे जी पीली बत्ती ऑन करें,
टी जोन इंसानी जिस्म के किस हिस्से को कहते हैं? इसके लिए कहा जाता है कि जी टी जोन ऑयली है, तो मीरा ने कहा कि जी कान, गाल और नाक, कान, गाल और नाक, ये एरिया मेरा ऑयली हो जाता है, ये टी जोन है जी। तो सही जवाब बताएं इसका ये है कि नहीं, और ये गलत जवाब है। पहली बात, टी ऐसे बनेगा, ये है टी, माथा, नाक और आपकी चिन। तो बी जिसको तुमने पहले कहा भी था कि बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी इज द राइट आंसर। इसको कहते हैं टी जोन, कि यहाँ वो आप क्रीम ना लगाएं कि जी टी जोन मेरा ऑयली है, टी बना है ना, बात बात है ना, दम दम है ना इसमें, ठीक है, बिल्कुल। बट यू प्लेड वेरी वेल मीरा, लेके जा रही हो आप अपने साथ स्मार्टफोन, पेल का एलईडी टीवी, लैपटॉप, बाइक, लग्जरी बेडरूम सेट, 5 तोला गोल्ड और क्या चाहिए, खुश है? बहुत खुश, थैंक यू सो मच। तो जी मीरा के साथ खेला आज बड़े प्यार से, एक अलग ही फॉर्मेट आप किया होगा जिसमें बहुत सारे हिंट्स थे, जिसमें गलत जवाब पे कोई पेनल्टी नहीं है क्योंकि ये मीरा है और मीरा के साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म, और सबको इंतजार रहेगा और सब जरूर शौक से देखेंगे बाजी। That's all for today, जी, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आप देख रहे थे करोड़ों में खेल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।